हेलो, मैं हूं ज्योति और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज फिर से हम एक लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअली, और टॉपिक का नाम है डैमेजेस कॉम्पनसेशन पेनल्टी। ये तीनों टर्म्स हमने कई बुक्स में पढ़े हैं और जिसका मतलब हमें पता है कि ये डिफरेंट हैं, लेकिन ये कैसे डिफरेंट हैं ये हमें नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम इनके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अगर मैं डैमेजेस के ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू कवर दी लॉस। जो भी पार्टी को एक्चुअली में लॉस हुआ है उसको कवर करने का जो अमाउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डैमेजेस कहते हैं। अगर मैं कॉम्पनसेशन की बात करूँ तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू ब्रिंग दी पर्सन ऑन हिज ओरिजिनल पोजिशन। मतलब क्या हुआ, जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया था और जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट नॉन परफॉर्म किया गया, इस दौरान पार्टी का जो भी पोजीशन चेंज हुआ है, जो भी स्टेटस चेंज हुआ है, उस स्टेटस को वापस से उसके ओरिजिनल स्टेट पर लेके आना, उसके लिए जो भी अमाउंट होता है उसको कहते हैं कॉम्पनसेशन। अगर मैं पेनल्टी की बात करूं तो पेनल्टी का पर्पस जो होता है टू पेनलाइज अ पर्सन, मतलब कि पनिश करना। हाउ डेयर अ पर्सन रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। और इसके लिए पनिशमेंट के रूप में एक अमाउंट हो सकता है पार्टीज डिसाइड कर लें, उस अमाउंट को कहते हैं पेनल्टी। अब देखते हैं कि इनके अमाउंट किस तरीके से जो है डिटरमाइन किए जाते हैं। अगर मैं डैमेजेस की बात करूं, दैट मींस द एक्चुअल लॉस। फॉर एन एग्जांपल, लेट सपोज मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने उसको ब्रीच किया, जिसकी वजह से मुझे एक्चुअली में 5000 रुपीज का लॉस हुआ। तो वो जो 5000 का अमाउंट है वो क्या होगा, डैमेजेस होंगे, दे विल बी कॉल्ड डैमेजेस। कॉम्पनसेशन की बात अगर मैं करूं तो कॉम्पनसेशन में डैमेजेस तो इंक्लूडेड होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। फॉर एन एग्जांपल, लेट सपोज कि मैंने आपके साथ जब इंटर किया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और 6 महीने बाद आपने उसको मना कर दिया कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। इस दौरान लेट सपोज मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी थी, तो 6 महीने मैंने अपनी इनकम का लॉस किया। हो सकता है इस दौरान मेंटल इंजरी, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज भी मुझे हो गए बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो सब अमाउंट भी जो ऐड होंगे वो कहाँ पर आएंगे, कॉम्पनसेशन में इंक्लूड होंगे। तो कॉम्पनसेशन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर लॉसेज एज वेल। तो जो भी टोटल आता है उसको हम कहते हैं कॉम्पनसेशन। इस तरह से क्या होगा, जो मेरा 6 महीने बाद स्टेटस हुआ, ये अमाउंट अगर मुझे मिल जाए तो मैं एक्चुअली में ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाऊंगी, और यही इसका पर्पस होता है। और इस तरीके से इसका अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं पेनल्टी की बात करूं तो पेनल्टी का ना तो कॉम्पनसेशन से कोई लेना देना है और ना ही डैमेज से कोई लेना देना है। ये काफ़ी हाई अमाउंट होता है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, टू क्रिएट द डिटरेंस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन सो दैट द पार्टी कुड नॉट इवन गिव अ थॉट टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। लेट सपोज जो लॉस है वो हमारा सिर्फ 10,000 रुपये का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अगर परफॉर्म नहीं किया तो नॉन परफॉर्मेंस के लिए पार्टी को लेट सपोज 1,00,000 रुपीज की पेनल्टी है। तो जहाँ लॉस खाली 10,000 रुपये का है लेकिन पेनल्टी 1,00,000 रुपये की है, तो इतने हाई अमाउंट की वजह से पार्टीज़ क्या करती हैं, अवॉइड करती हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें, ब्रीच ना करें। तो ये तो अपना हो गया ऑल 3 टर्म्स, डैमेजेस, कॉम्पनसेशन, पेनल्टी। अब डैमेजेस जो हैं वो कई तरीके के हमें दिए हुए हैं, आपने बुक्स में भी पढ़े होंगे। इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जो है वो कई तरीके के डैमेजेस की बात करता है, जनरल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस। तो अब हम उनको देखते हैं कि वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस का एक एग्जांपल मैं देती हूँ। लेट सपोज कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया और जिसमें मैं आपसे एक टीवी खरीद रही हूँ, आपने कहा कि 20,000 का आपको टीवी मिलेगा जिसकी डिलीवरी आपको 1 हफ्ते बाद मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। 1 हफ्ते बाद जब मैं आपके पास पहुँचती हूँ तो आपने कहा कि मैं आपको टीवी डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। अब अगर मैं कहीं और जाती हूँ तो सेम टीवी मुझे 25,000 रुपीज़ में मिल रहा है, क्योंकि इस दौरान 5,000 का प्राइस जो है, मार्केट रेट जो है वो बढ़ गया। तो अब आपकी वजह से मुझे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसी टीवी को खरीदने के लिए। तो 5,000 का जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड जनरल डैमेज।
ये मेरा जनरल डैमेज है। अगर हम स्पेशल डैमेजेस की बात करें तो स्पेशल डैमेजेस जो होते हैं ये कोई भी एक स्पेशल सर्कमस्टांस अगर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट इफ आई कैन फोरसाइट और मैंने वो आपको बता दी है और अगर आपके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से वो सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए तो आपको मुझे उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस का भी लॉस का अमाउंट देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं और मैं होलसेलर हूँ, मैंने आगे किसी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई एक डील की हुई है, मैंने आपको गुड्स का ऑर्डर दिया, आपने मुझे प्लेस करना था और मुझे आगे सेल आउट करना था, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करते टाइम ही बता दिया कि मुझे डिलीवरी 15 डेज में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं की तो मेरे आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ब्रीच हो जाएंगे, वो जो है नॉन परफॉर्म्ड हो जाएंगे और मेरे वो कैंसिल हो जाएंगे। आपने क्या किया, आपने मुझे 15 डेज में डिलीवरी नहीं दी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरे फर्दर डीलिंग थी वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो मुझे आपसे तो नुकसान हुआ ही हुआ, एक जनरल डैमेज तो मुझे हुआ ही हुआ, प्लस मुझे प्रॉफिट का भी लॉस हुआ क्योंकि मैं वहाँ पे मार्जिन से प्रॉफिट कमाती, तो मुझे प्रॉफिट का भी नुकसान हुआ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस कम्युनिकेट नहीं किए गए हैं तो स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलते हैं। तो स्पेशल डैमेजेस जो हैं आपको मिलेंगे लेकिन तभी जब आपने बता दिए हैं और एक्चुअली में वो स्पेशल सर्कमस्टांस आकर भी हो गई है। तो जो मेरा जनरल डैमेज है, जो मेरा जनरल डैमेज है वो तो है ही है, प्लस जो मेरे स्पेशल सर्कमस्टांसेस अराइज हुए इनकी वजह से जो लॉस हुआ इनको क्या कहेंगे, हम स्पेशल डैमेजेस कहेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या होता है, कई बार पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तभी वो एक अमाउंट को मेंशन कर देती है कि अगर मान लीजिए हम दोनों पार्टीज में से किसी ने भी अगर इसको ब्रीच किया तो हम ये वाला अमाउंट जो है दूसरी पार्टी को पे करेंगे। लेट सपोज 50,000 का एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि नॉन परफॉर्मिंग पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को 50,000 रुपीज़ का अमाउंट देगी। तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लिया है 50,000 का अमाउंट, ये जो 50,000 का अमाउंट डिसाइडेड है ये क्या होंगे, ये हमारे लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे। लेकिन कई बार पार्टीज नहीं भी करती हैं ऐसा, वो कोई ऐसा अमाउंट डिसाइड नहीं करती हैं। उस केस में क्या होता है, अगर नॉन परफॉर्मिंग पार्टी है तो उसके लिए जो उसको जो भी अमाउंट देना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करता है। तो जब कोई भी अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ है और कोर्ट ने डिसाइड किया है कि भाई जो नॉन परफॉर्मिंग पार्टी है वो अगली पार्टी को 1,00,000 रुपया देगी, तो ये जो 1,00,000 का अमाउंट है वो क्या कहलाया जाएगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ डैमेजेस। अब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके बारे में बात करता है, अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 73 और 74 जो है वो डैमेजेस के ही बारे में बात करता है। मैंने यहाँ पर सेक्शन 74 को आपके सामने लिख दिया है। 73 में तो स्पेशल डैमेजेस और ये आपके जनरल डैमेजेस की बात हुई है। 74 में क्या पे होगा, देखिए, when a contract has been broken, if a sum is named in the contract, अगर name है तो मतलब ये क्या हुआ, ये बात कर रहे हैं liquidated damages की, क्योंकि अगर नहीं किया है तब तो फिर court ही determine करेगा, वो अपने जो भी facts and circumstances of the case हैं उसके according court decide करेगा। लेकिन अगर parties ने mention किया हुआ है contract में उस case में, या फिर parties ने penalty को भी जो है decide किया हुआ है, ठीक है, एक अमाउंट डिसाइड किया है उसको मैं लिक्विडेटेड डैमेजेस कह रही हूँ, एक उसने पेनल्टी डिसाइड करी हुई है, पेनल्टी मैंने आपको बताई है काफ़ी हाई अमाउंट अगर डिसाइड किया हुआ है तो वो पेनल्टी होती है, तो उस केस में मिलेगा क्या पार्टीज को, टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट फॉर नेम्ड। तो जो भी लिक्विडेटेड डैमेजेस पार्टीज ने डिसाइड किए हैं, हमने कितने किए थे अपने एग्जांपल में 50,000 से ऊपर का अमाउंट पार्टीज को नहीं मिलेगा, इसके नीचे का तो मिलेगा क्योंकि इन्होंने क्या यूज किया हुआ है, टर्म रीजनेबल, द टर्म रीजनेबल इज हैज बीन यूज्ड। तो लेट सपोज कि अब एक पार्टी ने नॉन परफॉर्म
किया है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, और उस कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 का अमाउंट जो था वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में लिखा हुआ था। अब कोर्ट में गए कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हमें डैमेजेस चाहिए। डैमेजेस कितने मिलेंगे? रीजनेबल मिलेंगे। रीजनेबल का मतलब क्या हुआ कि 50,000 और बिलो 50,000। लेट्स सपोज सारा कोर्ट ने जब कंसिडरेशन किया तो एक्चुअली में जो पार्टीज को है वो 30,000 का ही नुकसान हुआ है, तो कोर्ट जो है 30,000 के डैमेजेस को का डिसीजन देगी, ठीक है। लेकिन हमने 50,000 की लिमिट खुद से डिसाइड की है तो इसके ऊपर का अमाउंट नहीं मिलेगा, इसके अंदर का अमाउंट मिल सकता है। लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए पार्टीज ने 50,000 का अमाउंट जो है ये डिसाइड किया है एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। लेकिन फिर आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा जो एक्चुअल में लॉस हुआ है पार्टी को वो हुआ है 60,000 का, लेकिन पार्टीज ने खुद में 50,000 डिसाइड कर रखा है, तो कितना अमाउंट मिलेगा? 50,000 मिलेगा या 60,000 मिलेगा? नाउ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50,000 का ही अमाउंट मिलेगा, 60,000 का नहीं मिलेगा। लॉजिक भी, पार्टीज ने खुद अपनी फ्री विल पर ये डिसाइड किया है कि हम 50,000 में सैटिस्फाइड हैं और जो भी अमाउंट नेम्ड है उसके बियॉन्ड नहीं मिलता, ये सेक्शन 74 में इटसेल्फ लिखा हुआ है। तो भले ही पार्टीज को यहाँ पर 60,000 का नुकसान हुआ हो लेकिन उन्हें 50,000 का ही अमाउंट मिल सकता है एज अ रीजनेबल कॉम्पनसेशन। और पेनल्टी में भी यही लिखा हुआ है, ये तो रीजनेबल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग लिखा हुआ ना, रीजनेबल कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड, यानी कि उसके ऊपर का अमाउंट नहीं मिल सकता है, और एज अ केस में भी द पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, और जो भी पेनल्टी स्टिपुलेट की गई है वो मिल सकती है, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो ये था ऑल अबाउट डैमेजेस कॉम्पनसेशन एंड पेनल्टी। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई इंश्योर यू कि मैं आपके लिए इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल वीडियो देके आती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।